अपना चैनल अबाउट सीएनसी को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ठीक समय पर वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन में ड्रिल या यू ड्रिल चलाना हो तो कौन सा कोड यूज करेंगे और किस प्रकार से प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, तो जो सीएनसी मशीन पे आपको ड्रिलिंग या यू ड्रिलिंग करना है तो G83 एक पेक ड्रिलिंग साइकिल प्रोग्राम का कोड है। ठीक है, ये पेक ड्रिलिंग साइकिल प्रोग्राम का है, यानी कि स्वचालित साइकिल है, पेक बना के चलेगा। छोटा छोटा अमाउंट भर देंगे क्यू अमाउंट तो छोटा छोटा अपने आप ही चलता रहेगा, छोटा कटिंग करेगा। जैसे 100 mm करना है ना कटिंग, तो 10 mm का पेक बना देंगे तो 10 बार में काटेगा, निकलेगा बाहर फिर काटेगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, इस ये जो कोड है G83 पेक ड्रिलिंग साइकिल, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा इससे प्रोग्राम नहीं बनेगा। इसी को यही चीज़ आपको ड्रिल या यू ड्रिल का जो प्रोग्राम है वो G01 में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, उससे भी बन जाएगा, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, 10-20 लाइन का हो जाएगा कम से कम। तो अगर कम लिखना है, ठीक है, और समय का बचत करना है तो G83 पेक ड्रिलिंग साइकिल जो कोड है G83, इससे आप प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने से पहले ये जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल ड्राइंग जो है आपका जो कंपोनेंट है, इसका हम साइज समझ लेते हैं। ठीक है, इसी साइज के अनुसार यहाँ पे प्रोग्राम बना के हम समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये रॉ मटेरियल है, ये मतलब एक तरह से एक ड्राइंग समझ जाइए। ठीक है, मटेरियल भी इसको मान सकते हैं आप, ये मटेरियल है। ठीक है, कंपोनेंट है, इसको हम इस आकार में बनाएंगे। ठीक है, 100 mm इसका लेंथ है, 100 mm थ्रू होल करेंगे, 20 mm यू ड्रिल या ड्रिल से हम आर पर होल करेंगे। ठीक है, तो लेंथ पता लग गया और डायमीटर पता लग गया। डायमीटर का कोई इसमें खास मान्य नहीं रखता क्योंकि ये एक्स 0.0 में ही चलेगा। ठीक है, या 50 mm का डायमीटर हो तो, या 30 mm का ड्रिल हो तो, या 100 mm का ड्रिल हो तो, ठीक है, हमेशा एक 0.0 में ही चलेगा, सेंटर में ही चलेगा। ये इधर उधर सेंटर से ऊपर नीचे होगा टूट जाएगा, चलेगा नहीं। तो आपको ये साइज समझ में आ गया, जेड और एक्स के तो पता ही है, जेड में 100 mm होल करना है थ्रू होल। तो ये G83 पेक ड्रिलिंग साइकिल का ये जो एक लाइन है, इस लाइन में क्या क्या भरते हैं, एक्स का मान, जेड का मान, आर का मान, पी का मान, क्यू का मान और एफ का मान, ये हम विस्तार से बारी बारी से हम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले ये खास चीज आपको बता दूं, ये G83 आप दो लाइन में भी प्रोग्राम बना सकते हैं, और एक लाइन में बनाना है तब भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए दो लाइन वाला चीज पहले समझा देता हूं। G83 एक्स 0.0 और ये आर, यहाँ ये पहला लाइन, ये चीज और ये चीज ये पहले हटा दिए। ठीक है, उसके बाद G83 बच गया जेड पी क्यू एफ, 1, 2, 3, 4 और दो चीज ऊपर लिख देंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपको एक ही लाइन में बनाना है तो एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्स जेड आर और पी क्या होता है और क्यू और एफ क्या होता है, ये जानना जरूरी है, तभी प्रोग्राम समझ में आएगा, तभी आप बना पाएंगे प्रोग्राम। सबसे पहले एक्स का मतलब बता दूं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पोजीशन, एक्स का मान, यहाँ पे एक्स एक्सिस पोजीशन, यानी कि जो एक्स का वैल्यू भरना है, एक्स का मान भरना है, तो एक्स 0.0 में ही तो चलता है। ठीक है, तो एक्स 0.0 यहाँ पे मान भरेंगे। ठीक है, एक्स का मतलब यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे अलग से आपको लिखता हूँ विस्तार से, एक्स यानी कि एक्स 0.0 ये हो गया, एक्स क्लियर हो गया। उसके बाद जेड देखिए, जेड डेप्थ ऑफ होल, यानी कि जितना होल करना है, डेप्थ ऑफ होल जितना मतलब आपको होल करना है, पूरा यहाँ होल का साइज डालेंगे। ठीक है, होल लेंथ, ठीक है, जितना का आप ड्रिल करना है, 100 mm करना है तो 100 mm मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए, जेड माइनस 100। ठीक है, एक्स और जेड क्लियर हो गया। उसके बाद है रिट्रैक्ट वैल्यू। ठीक है, रिट्रैक्ट वैल्यू यानी कि आर में जब भरेंगे रिट्रैक्ट वैल्यू, मान लीजिए कि आपका ये ड्रिल है और एक पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है,
तो ये रिट्रैक्ट वैल्यू यानी कि पीछे हटने का वैल्यू, यानी कि पीछे कितना हटेगा उसका हम मान भरेंगे, साइज भरेंगे, ड्रिल करके पेक बना के जब पीछे हटेगा तो कितना पे जाके रुकेगा। तो आर 1.0 भर देते हैं, ठीक है, 1 mm पीछे जाकर रुक जाएगा, जहाँ पे Z0 होगा उससे पीछे हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए पी डिविल टाइम, डिविल टाइम यानी कि प्रारंभिक मतलब प्रस्थान करने का जो टूल का समय है, जहाँ से टूल आपका अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, रिट्रैक्ट अमाउंट के पास, जितना का पेक बनाएंगे, जितना अमाउंट भरेंगे अंदर जाने के लिए, तो वहीं पे ना ये रुकने के लिए होता है, ठीक है। डिविल टाइम रुकने का समय होता है, कितना देर रुकना है। अगर मान लीजिएगा आपका लंबा लेंथ होल करना है तो ड्रिल में चिप्स पकड़ रहा है, तो आपको रुक के ड्रिल का जो चिप्स है साफ करना हो, या कूलेंट नहीं जा रहा है तो उसके लिए कूलेंट डाल के, पीस अगर गर्म हो रहा है तो उसके लिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो आपको रुकना है बुरादा निकालने के लिए, चिप्स निकालने के लिए, तो यहाँ पे रुकने का समय डालना होता है, ताकि वहीं पे जाके रुक जाए, आपका जो काम करना है वो कर लीजिए, ठीक है। तो डिविल टाइम जो रुकना है ना, तो ये डिविल टाइम मिली सेकेंड में होता है। तो पी अगर मान लीजिए 1 सेकेंड रुकना है, ठीक है, 1 सेकेंड यानी कि मिली सेकेंड, 1 सेकेंड रुकना है तो 1000 डालना पड़ेगा 1 सेकेंड लिखने के लिए, ठीक है। मिली सेकेंड 1000 यानी कि 1 सेकेंड, 4000 लिखेंगे, 4000 माइक्रोन, तो ये 4 सेकेंड रुकेगा, ठीक है, 4 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड रुकना है तो 5000 यहाँ पे डालेंगे पी। अब देखिए क्यू जो है पेक अमाउंट, क्यू का मतलब है यहाँ पे क्यू क्या भरेंगे, पेक अमाउंट, जैसे 100 mm जाना है, ये भी माइक्रोन में होता है, क्यू माइक्रोन में हो जाता है, इसको हम माइक्रोन में कैलकुलेट करके डालते हैं। जैसे 10 mm का पेक बनाना है तो 10000 यहाँ पे माइक्रोन लिखेंगे, 10000 लिख देंगे, माइक्रोन अपने आप हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, ये 10000 माइक्रोन हो गया, यानी कि 10 mm का एक पेक बन गया, ठीक है। 10 mm गया, फिर रिट्रैक्ट अमाउंट के माध्यम से 1 mm पीछे आ गया, फिर 10 mm गया, 10 बार में करके 100 mm आपका ड्रिल हो जाएगा। उसके बाद ये फीड रेट है, जितना का आप फीड डालेंगे, जैसे फीड 0.10 फीड, तो 10 का स्पीड में चलेगा पूरे वर्क पीरियड में, पूरा कार्य दिवस के समय में, ठीक है। अब यहाँ एक्स जेड आर पी क्यू एफ समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए इसके बाद हम यहाँ पे आप प्रोग्राम बना के समझाते हैं। ठीक है, देखिए दो लाइन के बारे में आपको बता चुका हूं, ठीक है। दो लाइन बनाना है तो एक्स और आर को ऊपर लेके चले जाइए, नीचे में ये ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, और नीचे में ये चीज डाल दीजिए। और एक लाइन में बनाना तो एक लाइन में बना सकते हैं, हम दो लाइन में आपको बना के समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम नंबर डालेंगे वो सीरीज 0005 नंबर इंटर ब्लॉक, 5 नंबर प्रोग्राम नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद जी 28 यू 0.0 डब्ल्यू 0.0 इंड ऑफ ब्लॉक, ये टूल जो है आपका जो टैरेट है वो रिफरेंस पॉइंट पे हम रोक दिए हैं, खड़ी कर दिए हैं। उसके बाद डालेंगे जी 97 एस 900 M03। ये समझाने के लिए स्पिंडल स्पीड डाला हूँ, ये ड्रिल के ऊपर है और पार्ट के ऊपर है, कंपोनेंट के ऊपर है कि कितना RPM डालेंगे, वो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा वजन हो, ठीक है, और ज़्यादा मोटर ड्रिलिंग हो तो RPM कम ही चलेगा, ठीक है, 500-600, ठीक है, ड्रिल के ऊपर और कंपोनेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टी 0101, ये टूल नंबर है और ये ऑफसेट नंबर है, जो टूलिंग जो टूल चलाना है, जिस नंबर में आप टूल लगाए हैं उस टूल का नंबर यहाँ पे डालना होगा, ताकि वही टूल कॉल होगा, ठीक है, ये टूल नंबर 1 कॉल कर दिए, ठीक है। उसके बाद N08 कूलेंट ऑन कर दिए, ठीक है। उसके बाद G0X0.0, ठीक है, यहाँ पे टूल को मंगा लिए, ठीक है, यहाँ पे बुला रहे हैं X0.0 पे, और Z2.0 इंड ऑफ ब्लॉक। देखिए आपका टूल जो है यहाँ पे आ चुका है, ये 2 mm Z0 से पीछे। इसके बाद अगर आप लोगों को एक लाइन का प्रोग्राम बनाना है तो एक लाइन में बना सकते हैं, दो लाइन बना के समझाते हैं आपको, ठीक है, दो लाइन में बना के समझा देते हैं,
ठीक है। तो जी 83 एक्स 0.0 आर 1.0 इंड ऑफ ब्लॉक। एक्स का मतलब बता चुका हूं, एक्स 0.0 ठीक है, और रिट्रैक्ट अमाउंट, रिट्रैक्ट वैल्यू, यहाँ पे 1 mm जेड जीरो है, वहां से 1 mm पीछे रुक गया, ठीक है। उसके बाद एक्स और आर तो ले लिए हम यहाँ पहली लाइन में, उसके बाद फिर लिखेंगे जी 83 क्या बच रहा है, जेड, जेड कितना जाना है, 100 mm जाना है, तो 100 mm डाल दीजिए, जेड माइनस 100 mm। उसके बाद क्या बच रहा है, पी जो टाइम रुकने का समय है, डिविल टाइम, जहां पे रुकना है रिट्रैक्ट अमाउंट से वहां पे टाइमिंग डालेंगे, जैसे 10 सेकंड रुकना है तो 10,000 यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, ये माइक्रोन में हो गया, मिली सेकंड में वहां पे 10 सेकंड रुक जाएगा। उसके बाद पी क्यू, क्यू जो है पेक अमाउंट है, ठीक है, तो 10 पेक बनाना है, 10 पेक, तो 10,000 माइक्रोन डाल दीजिए, क्यू 10,000। उसके बाद बच रहा है फीड, फीड 0.09 इंड ऑफ ब्लॉक, ये एक ही लाइन है, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है ये समाप्त हो गया, ठीक है, यहां से होल करके यहां पे आपका टूल आगे खड़ा हो गया, ठीक है, रिट्रैक्ट अमाउंट पे यहां पे टूल खड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप यहीं से रेफरेंस पॉइंट आप लेके जा सकते हैं, और चाहे तो आप एक्स और जेड का मान भर करके उसका आराम से लेके जाना है तो आराम से भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टूल है जी 0 एक्स 100 mm डाल दीजिए, तो और जेड 100 mm, ठीक है, ये जी 0 में रैपिड पोजिशन में ऊपर 100 mm पीछे 100 mm चला गया, ठीक है। अब उसके पहले एम 09 इंड ब्लॉक, एम 05 ठीक है। अब उसके बाद जी 28 यू 0.0 डब्लू 0.0, ठीक है, यहाँ से ऊपर करके यहाँ से आराम से भी रिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है, ये मिटा दूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। उसके बाद एम 30 इन ब्लॉक, ये लाइन आप ना भी डालेंगे तभी वहीं से जहाँ से आपके यहाँ पे टूल था यहीं से रिफरेंस पॉइंट पे चला जाता अपने आप, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, G83 पेक ड्रिलिंग साइकिल प्रोग्राम आपको अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए, इसके लिए बेल आइकन दबाइए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम रितेश कुमार।